पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहा मातामहा तत्पिता चैव प्रमाता महाकादया एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गला ॐ शमस्तु पितृभ्यो नमः तर्पयामि सूर्या। प्रणाम महाराज। तुम यहाँ क्या करे? तुम्हें तो मैंने महादेवी माया के साथ देवदा भेजा था। जी महाराज, पर देवदा पहुंचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में क्या हुआ सूर्या? लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा। हाँ, पहलिया मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा। अपना युवराज आएगा। देवी बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है, महादेवी माया माँ बन गई है। ऐसा समाचार सुनाने से पहले मर क्यों ले गई? ये समाचार देकर तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर सूर्या। मांगो सूर्या, हीरे मांगो, मोती मांगो, राज्य मांगो, आज मुझसे मेरा होना मांगो सूर्या, मांगो सूर्या। नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे। बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया। हाँ महाराज, मेरा वंश आ गया। द्रोणोधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाते हैं, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका भार सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज, मैं महाराज शुद्धोधन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी हैं। आप सबकी शुभेच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए जो आप सब ने हमारे लिए की, वो इसी का फल है जो आज हमें ये दिन देखने का अवसर मिला।
हमारे ललाट से निसंतान होने का दुर्भाग्य मिट गया। आज सारा कपिलवस्तु राज दरबार का अतिथि है। राज्य में 3 दिन तक उत्सव होगा। हमारे लुम्बिनी वन जाने का प्रबंध कर, अभी क्षण भी युग की तरह लगता है, कैसे होगा वो? मेरे जैसा या माया जैसा? चलो खुशी आनंद उल्लास है, कहीं है दुख की घटा घनघोर, कहीं है दुख की घटा घनघोर। छोटी महादेवी, लगता है हमें शीघ्र देवता पहुंच जाना चाहिए। देवता नहीं प्रजापति, मेरी इच्छा कपिलवस्तु जाने की है। ऐसा ही होगा दीदी, हम कपिलवस्तु ही जाएंगे। मैं सारा प्रबंध करके आता। नहीं प्रजापति, मैं अकेले कपिलवस्तु नहीं जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं महाराज के साथ कपिलवस्तु जाऊंगी। महाराज? किंतु महाराज तो कपिलवस्तु के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समाचार मिलते ही वो कपिलवस्तु से निकल चुके होंगे। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ समाचार है, महाराज कुछ ही घड़ियों में लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। दीदी, तुम केवल महाराज की अर्धांगिनी ही नहीं, उनके हृदय की गति और उनके मस्तिष्क की सोच भी हो। अब मेरा बखान करना छोड़ और महाराज के स्वागत की तैयारी कर। ठीक है, और कुछ? हाँ, इस बार तू 16 श्रृंगार करके महाराज के पास जाएगी, जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो जाए। ठीक है। महाराज को संतान के सौभाग्य की बधाई हो। अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो और उस सत्य को दिखाओ जो इतने बरसों से मेरे सपनों में भेष बदल कर मुझे सताता रहा है। युवराज कहाँ है? महादेवी कहाँ है? रुकिए, कहते हैं घर पे संतान आने से पूरे घर की आयु छोटी हो जाती। आज हमें भी आपसे हट करने का मन हो रहा है। पहले उपहार दीजिए, फिर भीतर जाने देंगे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वचन के। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब चाहो जो चाहो मांग लेना, मैं मना नहीं करूँगा। महादेवी को पुत्र की बधाई हो। कैसी हो मामा? अधूरी थी देव, पूरी हो गई। जन्म सफल हो गया। ये क्या प्रजापति, चंद्रमा आने की सूचना दी और बादल बिखेर दिए। ये चंद्रमा तो अब 30 दिन बाद ही दिखेगा देव, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश मैं कभी समझ नहीं पाया देवी, कभी समझ नहीं पाया। तो मैं समझा देती हूँ देव। कहते हैं प्रसूति के बाद स्त्री दुर्बल हो जाती है और पुरुष मिलन के लिए आतुर, पति पत्नी को ना सताए और आने वाले संतान के साथ माँ का एक रिश्ता बने। इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए, ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य। क्या देख रहे हैं देव? ब्राह्मण हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश्य उंगलियां देखकर ये सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं।
परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है प्रजापति। क्या इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत ही ले। तथास्तु। तथास्तु। सुबह से द्वार नहीं खुले हैं। मंगला, मंगला। बधाई लेने और देने से समय मिल गया मुझे राजा को, जो अब पूछने आए हो। ये क्या कह रही हो मंगला? तुम मुझसे बधाई लेने आए हो? लो, मैं भी कह देती हूँ, बधाई हो आर्य, इस राजमहल को युवराज की और तुम्हें देवदत्त की बर्बादी की। ये सब क्या है? हाँ, सारे नगर में हर्षोल्लास है। यदि महल में किसी को भी ज्ञात हो गया कि तुम प्रसन्न नहीं हो तो वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? राज गद्दी तो देवदत्त के हथेली से छीनी गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, परंतु सब व्यर्थ। कपट के कंचे बिछाए, बच गए। गोद भराई के दिन विष मिलाया, फिर भी बच गई। क्या बोले जा रही हो? देवता में हथियारों को रख, जिसे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते, परंतु वो तो वही के वही प्रतीक्षा करते रहेगा। और तुम बनी में हमारे दुर्भाग्य ने चर्म ले ही लिया। संयम से काम लो मंगला, मशाल से केवल महल जलेगा। हमें अपने दुर्भाग्य को जलाना है, इस आग को संभालना होगा। जाओ और जाकर स्वागत की तैयारी करो और आरती के दिए जलाओ। स्वागत है आपका महादेवी माया। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। बिल्कुल आप पर गए हैं, वही आंखें, वही बाल। मैंने भी महादेवी से यही कहा था, इतने सुंदर है कि आइए ना।
की सृष्टि पर जिस हेतु पाप का आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ, अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं नहीं नहीं। दीदी दीदी, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण भेज, जिससे वो अमिता को भेज दे। आमंत्रण? बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है और शास्त्र के अनुसार पांचवें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना है। देवदत्त। बोलो माँ। माँ। महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूँ, पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। पर आपने तो कपिल वस्तु का भार उतार दिया, अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। अच्छा, तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। आप एकदम तुम पर गया है माया, पर देखना पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोदन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी, अमिता महाराज शुद्धोदन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी, अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपाने के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहेली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो, ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए। अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन, ये एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती। तो दूजी और? हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। ही राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम, हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की। दीदी, अब आप आराम करो,
कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगा। हाँ दीदी, आज तेरे कारण ही नामकरण संपन्न हो पाए, मेरी इच्छा पूरी हुई। वैसे तो इच्छाओं का अंत नहीं होता, हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखे, पर मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। दीदी तुम आराम करो और अब कोई बात नहीं होगी। मत रोक मुझे, कहने दे। मैं जब गर्भवती हुई तब ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बच्चा चक्रवर्ती राजा बनेगा, पर सिद्धार्थ को मैं उस रूप में नहीं देख सकूंगी। दीदी यदि तुम्हें यही बातें करनी है ना तो मैं चली जाती हूँ, बस उससे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी। तो मेरे सिद्धार्थ की यशोदा है, वो तो मैं हूं। राजा मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। दीदी दीदी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पकड़े, मेरा बुलावा आ गया, जाना तो होगा ही। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी। करूंगी, महाराज का उससे भी ज्यादा ध्यान रखेगी। हाँ दीदी मैं वचन देती, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। नहीं भूले, नहीं दीदी तुम्हें कैसे भूलूंगी। दीदी 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 क्या हुआ दीदी? जाने का समय आ गया, अंतिम बार महाराज के पास। बैठी को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, मंगला दीदी को कहोगी। दीदी दीदी क्या हुआ वैज, सब ठीक हो जाएगा ना? इसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसे सन्निपात कहते हैं। देवी को पता नहीं, मंगला दीदी बात करते करते अचानक ही अपनी सुध को बैठे। आप भीतर न जाएं महाराज, शास्त्र कहते हैं इस समय महादेवी से मिलना आपका। परंतु गुरुदेव इस समय महादेवी को हमारी आवश्यकता है। महादेवी हृदय की गति हो रही है, समय बहुत कम है, शीघ्र ही महाराज को बुला लिया जाए। कोई तो उपाय होगा गुरु भाई, समय विपदा का है, इसे बीत जाने दीजिए। पर यदि यह समय निकल गया तो महाराज महादेवी के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आप चलिए महाराज, प्रायश्चित करना होगा आपको महाराज। हम जो प्रायश्चित कहेंगे हम करेंगे। आपको 100 गायों का दान करना होगा महाराज, तब प्रायश्चित होगा। Thank you.
यदि हमें कुछ हो जाता तो हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा होना संभव ही नहीं। आपसे पहले तो हम जाएंगे देवी। बिना मांगे ही वचन दिल के आप हमारे मरने का दुख है, युवराज के आने की खुशी बना। चार प्रकार की अग्नि से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। इच्छा अग्नि, काम अग्नि, जठार अग्नि और चिता अग्नि। जीवन में काम अग्नि सृष्टि का सृजन करवाती है और चिता अग्नि उसी सृजन को भस्म करती है। परंतु महादेवी महामाया सौभाग्यवती कही है राजन, वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करके गई है। कपिल वस्तु को उत्तराधिकारी देकर गई है राजन। गुरुवर्य, यदि पुत्र कावेष्टि यज्ञ के दिन आपने मुझे बता दिया होता कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी तो मैं पुत्र कावेष्टि यज्ञ कभी नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता गुरुवर्य, कभी नहीं करवाता। कहाँ जा रही हो मंगला? टोक दिया ना, सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई देगा। वो कैसे? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूं वो वही करे।
भले ही राज का उत्तराधिकारी हो पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहाना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन, इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके तर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों भूल रहे हैं देव कि ये माया का ही अंश और आप ही का वंश है। इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए, इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए, इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे जैसे माया आपको देख रही है। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा है, पर अच्छा है जो मिलन हो ही गया। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूं। अवश्य मंगला, तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ? महाराज, मैं चाहती हूं कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बड़ा वैसा ही होगा, पर उस पर मेरा अधिकार हो, मतलब वो मेरी देखभाल में है। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन, महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए, ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु। परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर ये कोलाहल कैसा? महाराज, कपिलवस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे,
ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु, कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष है, हठ योगी है। कहां है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। आओ भाग। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को सम्यस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं योद्धा होगा। योद्धा, ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, पर वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, पर ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। क्षमा कीजिए मुनिवर,
कपिलवस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम की, 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 क्या हुआ मनीमा? एक अंतिम बार उस परम चेतन के दर्शन कर लूं, फिर देखूं सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य देता रहा। अरे संसार, संसार, सिद्धार्थ गौतम की, 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 सिद्धार्थ गौतम की।